नमस्कार मित्रों, आज आपणे गूगल फॉर्म में कस्टमाइज थीम विकल्प विषे शीखीशू। कस्टमाइज थीम नो उपयोग केवी रीते करवो अने गूगल फॉर्म में अलग अलग ऑप्शन ने केवी रीते एप्लाय करवा। गूगल फॉर्म तैयार करवा माटे सौ पहला वेब ब्राउजर ओपन करो। वेब ब्राउजर ओपन कर्या बाद जीमेल नी वेबसाइट ओपन करो। जीमेल नी वेबसाइट लख्या बाद एंटर की प्रेस करो। त्यार बाद साइन इन पर क्लिक करो। ईमेल और फोन लखेलू जे बॉक्स छे तेमा ईमेल आईडी एंटर करो। ईमेल आईडी दाखल कर्या बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। त्यार बाद पासवर्ड एंटर करो। पासवर्ड एंटर कर्या बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करवाथी जीमेल नू एकाउंट ओपन थसे। जीमेल एकाउंट में टॉप कॉर्नर में जे त्रण डॉट्स देखाय छे तेने गूगल एप्स कहेवाय छे। गूगल एप ना बटन पर क्लिक करो। गूगल एप ना बटन पर क्लिक करो। त्यार बाद जुदी जुदी गूगल एप जोवा मळशे तेमा गूगल ड्राइव एटले के ड्राइव विकल्प पर क्लिक करवू। ड्राइव बटन पर क्लिक करवाथी बाजूना टेब मां गूगल ड्राइव ओपन थशे। हवे ब्लेंक गूगल फॉर्म तैयार करवा माटे गूगल ड्राइव में प्लस सिम्बॉल अथवा न्यू सिम्बॉल देखाय छे तेनी पर क्लिक करवू। त्यार बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करवू। मोर ऑप्शन में गूगल फॉर्म विकल्प पसंद करवो अने तेमा बे ऑप्शन देखाशे, ब्लैंक फॉर्म अने फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो गूगल फॉर्म तैयार करवा माटे आ बे पैकी कोई एक विकल्प आपणे पसंद करी शकीए छे। आपणे जाते ज फॉर्म ने डिजाइन करवू होय तो ब्लैंक फॉर्म विकल्प पर क्लिक करवो। ब्लैंक फॉर्म विकल्प पर क्लिक करवाथी बाजूना टेब में ऑन टाइटल फॉर्म ओपन थशे। हवे आपणे फॉर्म ने डिजाइन करवानी तेना जुदा जुदा विकल्प अने सेटिंग विषे शीखीए। सौथी पहला टॉप पर आ जे सिम्बॉल देखाय छे ते छे कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम नो उपयोग करी અને આપણે ફોર્મના દેખાવમાં સુધારા વધારા કરી શકીએ છીએ, જેવા કે કલર બદલવો, ફોન્ટ બદલવા કે હેડર એટલે કે હેડિંગ આપવું। કસ્ટમાઇઝ થીમ પર ક્લિક કરવાથી એક વિન્ડો ઓપન થશે, થીમ ઓપ્શન। ત્યાં જુદા જુદા ઓપ્શન જોવા મળે છે, એક પછી એક ઓપ્શન વિશે જોઈએ। ફોર્મના હેડિંગમાં કોઈ ચિત્ર એટલે કે ઇમેજ મૂકવી હોય તો હેડરમાં ચૂઝ ઇમેજ પર ક્લિક કરો। चूज इमेज ऑप्शन पर क्लिक करवाथी जुदा जुदा त्रण विकल्प जोवा मळशे, थीम्स, अपलोड अने फोटोज। थीम्स विकल्प में जुदी जुदी थीम पर आधारित हेडर में सेट थई शके तेवी इमेज पहलेथी ज गूगल द्वारा मूकवामां आवी छे, आपणे तेनो पण उपयोग करी शकीए छे। जो तेमांथी कोई इमेजनो उपयोग न करवो होय तो अपलोडना ऑप्शन में जई आपणा कम्प्यूटरमां पहलेथी ज तैयार अथवा डाउनलोड करेली कोई इमेज होय तो तेने सिलेक्ट करी शकीए छे। अथवा गूगल ड्राइव में जो आपणे पहलेथी ज कोई फोटो के इमेज सेव करी होय तो ते अहींयाथी आपणे सिलेक्ट करी शकीए छे। अत्यारे आपणे थीममांथी इमेज सिलेक्ट करी अने आगळ वधीए छे।
थीम माथी कोई पण एक इमेज ने सिलेक्ट कर्या बाद नीचे ऑप्शन दिखाशे इन्सर्ट, सिलेक्ट करी अने इन्सर्ट पर क्लिक करवाथी आ इमेज आपणा फॉर्मना हेडिंग में जोवा मळशे अथवा जे ते इमेज पर डबल क्लिक करवाथी पण इमेज इन्सर्ट थई जाय छे। અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે હેડરમાં ઇમેજ આવી ગઈ છે। ત્યારબાદ થીમ કલર, અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ આપણે જે કલરની થીમ નો ફોટો લીધો છે એ ફોટાને લગતી જ કલર થીમ સિલેક્ટ છે, પરંતુ આ કલર આપણે આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે બદલી શકીએ છીએ। આ ત્રણ કલરના ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે, એ સિવાય જો અન્ય કલર પસંદ કરવો હોય તો આપણે અહીંયાથી પસંદ કરી અને એડ પર ક્લિક કરવાથી તે કલર આવી જશે। ત્યારબાદ બેકગ્રાઉન્ડ કલર, બેકગ્રાઉન્ડ કલર માટે આપેલા ઓપ્શનમાંથી કોઈ પણ કલર આપણે પસંદ કરી શકીએ છીએ। અને બીજો વિકલ્પ છે કસ્ટમાઇઝ થીમમાં ફોન્ટ, અહીંયા જુદા જુદા ફોન્ટ્સ આપેલા છે, એમાંથી આપણે કોઈ પણ ફોન્ટને પસંદ કરી શકીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ પ્લેફુલ ફોન્ટને આપણે જો સિલેક્ટ કરીશું તો ફોર્મના જે ફોન્ટ છે એ બદલાઈ જશે। અહીંયા અનટાઇટલ ફોર્મ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ફોન્ટ તેના ચેન્જ થઈ ગયા છે। અત્યારે આપણે બેઝિક એટલે કે બાય ડિફોલ્ટ જે ફોન્ટ છે એનો ઉપયોગ કરીને જ ફોર્મ ડિઝાઇન કરીએ છીએ। તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ, ઈચ્છા મુજબ ફોન્ટને બદલી શકો છો। તો આ પ્રમાણે આપણે કસ્ટમાઇઝ થીમનો ઉપયોગ કરી અને ફોર્મના દેખાવમાં શું ચેન્જીસ કરી શકીએ છીએ।